दोस्तों, ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाली एक भाभी की है। उनकी पिछले साल ही शादी हुई है। वो बहुत सुंदर है। उनके साथ मेरी अच्छी बनती है। मैं उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त हूँ। मैं रोज़ उनके साथ बातें करती हूँ। उन्हें डायरी लिखने का शौक़ है। उनके पति कम पढ़े लिखे हैं और दुबई में नौकरी करते हैं। एक दिन संयोग से मैं उनकी डायरी हाथ लग गई और उनके जीवन की एक सच्ची घटना मैंने पढ़ ली, जो मैं आप सबको अपने शब्दों में बताने वाली हूँ। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी को शुरू करने से पहले एक बात, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अंजलि है। मैं बिहार के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। जब मैं 18 साल की थी, हमारी बोर्ड की 12वीं परीक्षा शुरू हुई। आज परीक्षा का पहला दिन और हमारे इंग्लिश का पेपर था। मैं शुरू से ही इंग्लिश में कमज़ोर थी। परीक्षा हमारे पड़ोस के गांव के स्कूल में हो रही थी। मैं अपनी सहेली पिंकी के साथ परीक्षा देने गई थी। पिंकी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी, लेकिन पिंकी बहुत ही निडर और शरीफ लड़की थी। एक बार एक लड़का तरुण ने हम दोनों को छेड़ने की कोशिश की थी, तो पिंकी ने उसकी वो हालत बनाई थी। फिर उस दिन के बाद वो कभी सामने नहीं आया। जब मुझे याद आता तो मैंने सोचा मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाऊंगी। हमारे क्लास में संदीप और दीपाली पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन मैं पिंकी हमेशा खेलकूद में लगी रहती, इसलिए हम लोगों की पढ़ाई कमज़ोर थी। उस वक्त शरीर के बारे में, बायोलॉजी के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन एक बार मैंने अपने गांव में किसी आवारे लड़के को देखा था, वहीं वहाँ गांव के छोर में, जिससे मैं वो सब देखी थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोली। ये सब बातें मुझे मैंने सहेलियों से भी सुना था, लड़के लोग लड़कियों के साथ क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ये सब कोई चीज़ अभी तक रियलाइज़ नहीं की थी। बाकी क्लास में कभी कभी टीचर लोग हम लोगों के साथ बातचीत करते, इससे हम लोग यही जानते कि इतना होता है कि उससे कोई प्रेग्नेंट हो जाता है। सुबह सुबह तैयार होकर मैं और पिंकी परीक्षा के लिए गांव पहुंच गई। वहां पता चला परीक्षा बहुत टाइट होने वाली है। मेरे मन ही मन घबराई, क्योंकि वैसे भी मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैंने कुछ पेपर चिट नकल करने के लिए पर्ची बनाया था, जो मैं अपने पास छिपा कर ले आई थी। एग्ज़ाम की बेल शुरू हुई। हम सीटिंग देखकर अपनी अपनी सीट पर जा बैठे। मेरे एग्ज़ाम को लेकर बहुत सहमी हुई थी। इंग्लिश का पेपर मेरे लिए टेढ़ी खीर था। 3-4 पर्चियाँ बनाकर ले गई थी, पर भरोसा नहीं था उसमें से कुछ आएगा या नहीं। अचानक संदीप हमारे कमरे में आया और बराबर वाली सीट पर बैठ गया। मेरे को जिगर ठिकाना ना था, मगर ये मदद कर देगा तो मैंने सोचा उसकी तरफ मुड़कर बोलूँ, कैसी तैयारी है संदीप? ठीक है तुम्हारी? उसने शराफत से जवाब देकर पूछा। मेरी क्या बताऊँ, आज तो कुछ नहीं आता, मैं तो पक्का फेल हो जाऊँगी आज का पेपर, मेरे मुंह बुरा हुआ मुंह बनाकर कहा। कुछ नहीं होता, रिलैक्स होकर पेपर देना, जो सेक्शन अच्छे आते हैं उनका जवाब पहले लिख देना, एग्जामिनर पर इम्प्रेशन अच्छा बना रहेगा। ऑल द बेस्ट, उसने कहा और सीधा देखने लगा। सिर्फ ऑल द बेस्ट से काम नहीं चलेगा, मैं अब उससे पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मतलब उससे अर्थपूर्ण निगाहें से मेरी तरफ देखा। कुछ हेल्प कर दोगे ना प्लीज़, मैंने उसकी तरफ एक प्यारी सी मुस्कान उछालते हुए कहा। मुझे अपना पेपर भी तो करना है, बाद में कुछ टाइम बचा तो ज़रूर, उसने फॉर्मेलिटी से पूरा किया। प्लीज़ हेल्प कर देना, मैंने बेचारी होते हुए देखते हुए याचना की। इससे पहले वो कोई जवाब देता, कमरे में निरीक्षक आ गए। उनके आते ही क्लास एकदम चुप हो गया। संदीप भी सीधा होकर बैठ गया। मैं मनोमस से भगवान को याद कर रही थी। पेपर हाथ में आते ही सबके चेहरे खिल गए, पर मेरे चेहरे में पहले की तरह 12 बजे थे। मैंने डिफ़िकल्ट सेक्शन का नकल लेकर आई थी, मगर पेपर आसान था। मेरे लिए तो इंग्लिश में आसान और मुश्किल सब एक जैसा था। अब तो खुश हो जाओ, पेपर इतना ईजी है या नहीं, मेरे कानों में धीरे से संदीप की आवाज़ आई। मैं कुछ बोलने के लिए उसकी ओर देखी, फिर से बोल पड़ा, मेरी तरफ मत देखो सर की नज़रों में आ जाओगी। मैंने अपना सिर सीधे करके झुका दिया। मुझे कुछ नहीं आता था इसमें से। काफ़ी देर तक जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरी नज़रें तीछी करके उसको देखी। वो मस्ती से लिखने में खोया था। मैं रोना शक्ल बनाकर कभी
सेक्शन का पेपर देखती तो कभी आंसर शीट देखने लगती। पेपर शुरू होते हुए करीब आधा घंटा हो गया। मैं फ्रंट पेज में पहली डिटेल लिखने के अलावा कुछ भी नहीं लिखी थी। अचानक पीछे से पर्ची आकर मेरे पास गिरी। इसके साथ ही किसी लड़के की हल्की आवाज़ भी कानों पर पड़ी, उठा लो 10 मार्क्स का है। मैंने सर की निगाहें डाली और उनके नज़रों को बचाते हुए अपनी पर्ची उठाकर अपनी कच्ची ठूस ली। मुझे कुछ तसल्ली हुई, आखिर मेरे पास कद्रदान कमरे में मौजूद था। मैंने पीछे देखा, कमरे में सभी नीचे देख रहे थे। समझ में कुछ नहीं आया, मुझे यह एहसान किसने किया। कुछ देर मौका इंतजार करने के बाद मैं धीरे से वो कच्ची निकाली और पर्ची निकालकर आंसर से दब निकाली। पर्ची को खोलकर मैं पढ़ते ही अपना माथा ठनक गया। वहाँ एक गंदा लव लेटर था। मैंने देखा कुछ अश्लील बातें भी लिखी हुई थी, मेरे नाम भी लिखा हुआ था। मैं हताश होकर पर्ची को पलट कर देखे। शुक्र है इस लव लेटर के पीछे कुछ एक्से टाइप आंसर्स और ऑप्शन भी लिखा हुआ था। मतलब लव लेटर तो था लेकिन उसमें कुछ आंसर्स भी था। ज़्यादा ध्यान न देते हुए मैं फटाफट उसकी नकल उतारने लगी। पर उस दिन मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। शायद बाहर बरामदे की खिड़की से किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया। मैं अभी आधा सेक्शन भी नहीं किया था, अचानक बाहर से एक सर आया और मेरी आंसर शीट को उठाकर झपट पर्ची नीचे आ गिरी। ये क्या है, गुस्से से सर ने कहा। करीब 30 से 40 साल के आसपास उम्र रही होगी। जी जी पीछे से आकर गिरी। मैं सहम गई। क्या मतलब है कि पीछे से आकर गिरी? ये सीट तुम्हारी है, तुम्हारे पास से मिली है, उन्होंने सख्त लफ्जे में कहा। मैं अंदर से कांप रही थी। जी पर मैंने कुछ नहीं लिखा, आप चाहो तो आंसर शीट देख लो। उस सर ने मुझे घूर कर देखा और पर्ची उठाकर हाथ में ले ली। थोड़ी देर मुझे यूं ही ऊपर से नीचे तक देखते रहे। उन्होंने मेरी सीट निरीक्षक को पकड़ा दिया। सीट वापस नहीं करनी है, मैं थोड़ी देर में आकर यूएससी नकल पकड़ाने में बनाए जाने वाला पेपर बनाऊंगा, उन्होंने कहा और पर्ची हाथ में लेकर निकल गया। मुझे उस वक्त बहुत डर लग रहा था, मैं कांप रही थी। यूएससी का मतलब है कि परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर 3 साल तक बोर्ड परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा। मैं बैठी बैठी सुबकने लगी। अचानक संदीप ने कहा, रिक्वेस्ट कर लो नहीं तो पूरे साल खराब हो जाएगा। उनके कहने पर मैं उठकर सर के पास खड़ी हो गई। सर प्लीज़ सीट दे दो, अब नहीं करूँगी। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भला, बोर्ड एडवाइज़र ने तुम्हारी सीट पलट दी है। मैं तो पर्ची उठाते हुए तुम्हें देखा था पर इग्नोर कर दिया, मगर अब तो वो जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। उनको रिक्वेस्ट करके देखो। ऑफिस में प्रिंसिपल मैडम के पास बैठे हैं, सर ने अपनी मजबूरी बैठा दी। जी ठीक है, मैं बाहर निकली और ऑफिस के सामने पहुंची। वो वहीं बैठे प्रिंसिपल मैडम के साथ खिलखिला रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने थोबड़ा चढ़ा लिया और कहा, हाँ क्या है? जी मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, मैं सहमे स्वर से बोली। साल? तुम 1 साल की बात कर रही हो? तुम्हारा 3 साल खराब होगा, मैं तुम्हारा यूएससी बनाने जा रहा हूँ, सारा साल पढ़ाई की नहीं। उनकी आवाज उनके शरीर की तरफ बहुत भारी थी। सर प्लीज ऐसा मत करो, सीट दे दो, मैंने याचना की। कुछ देर तक मैं मेरी ओर देखते हैं, फिर मेरी निगाहें उनकी मेरी ही तरफ थी। मैंने परवाह ना की और बेचारी नज़रों से उनके सामने खड़ी रही और नज़रें उनकी मेरी तरफ थी। वो कुछ नरम पड़े और प्रिंसिपल की ओर देखकर बोले, क्या करें मैडम? प्रिंसिपल खिलखिलाकर बोली, ये तो आपको देखना है माधुर सर, वैसे लड़की अच्छी है, मेरा मतलब अभी आप देख ही रहे हैं। इतना बोलने पर सर की बत्ती से निकल गई। घर वालों भी लड़का लड़के देख लेंगे, पास हो ही गई तो ठीक है। पियोन को भेज दो, सीट दिलवा दो, मैं सोचता हूँ तब तक, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे थोड़ी शांति मिली। अपनी आंसर सीट लेकर मैं अपनी सीट पर जा बैठी। अब जो करना था वही की, जो बैठी बैठी जितना जानती थी उतना ही लिखी। मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे, क्लास में पियोन आकर बोला, उस लड़की को प्रिंसिपल मैडम बुला रही है जिसको अभी सीट मिली है। मैं एक बार फिर मायूस सी होकर उठी और आंसर सीट वहीं छोड़कर ऑफिस से बाहर चली गई। पर मुझे ना तो मैडम दिखाई दे रहे थे और ना ही सर। कहाँ है मैडम? मैंने पियोन से पूछा। अंदर चली जाओ, पीछे बैठे होंगे, पियोन ने कहा। मैं अंदर जाकर देखी, दोनों ऑफिस के पीछे सोफे में बैठ कुछ पढ़ रहे थे। मेरे अंदर जाते ही मैडम ने मुझे घूर कर देखा। आ जा, पहले तो तू मेरे पास आ। जी, मैं मैडम के पास जाकर नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। ये क्या है? मैडम ने एक पर्ची मुझे देकर एक टेबल पर पटक दी।
मैंने देखा ये वही पर्ची थी सर ने छीन कर लाए थे। उन्होंने टेबल के सामने उस लव लेटर को ऊपर करके रखा था। जी मुझे नहीं पता, मैं शर्मिंदा होकर जवाब दी। अच्छा तुझे तो कुछ नहीं पता, यूएससी बना देते हैं तो पता चल जाएगा, सर ने गुस्से से कहा। जी मेरे पास ये घिर कर आई, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने धीमे स्वर से कहा। क्या नाम है तेरा, मैडम ने पूछा। जी अंजलि, ये देख तेरा ही नाम लिखा है और तू कह रही है तुझे कुछ नहीं पता, ऐसे कितने यार बनाए रखे हैं तूने, सच सच बता, मैडम ने तैस में आकर कहा। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। मैं ना कहता था मैडम आजकल लड़कियां उम्र से पहले ही बड़ी हो जाती है, आप देख लो सबूत आपके सामने है। सर ने मैडम को मुस्कुराते हुए मुझे देखा, वो भी मेरी मजबूरी को फ़ायदा उठा रहे थे। और बेशर्मी की हद है, क्या बोलूँ हमारे टाइम में ऐसी बातें, तौबा तौबा, अभी इसकी उम्र ही क्या है, 18 की है, कैसे कैसे वर्ड लिखे हैं इसमें, कौन है तेरा यार बता। जी मुझे सच में नहीं पता, भगवान की कसम, मेरे आंखों से आंसू लाते हुए कहा। अब छोड़ो मैडम, जो करेगी वो करेगी, हमारा क्या है, इसकी आंसर शीट मंगवा दो, मैं यूएससी बना देता हूँ, 3 साल तक बैठी रहेगी घर पर, और ये लेटर भी तो अखबार में देने लायक है, सर ने कहा। सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैंने नजरें उठाकर सर को देखी, मेरी आँख देख वो भी थोड़ा सा मायूस हुए। मैंने कहा मुझे गलती हो गई। तो कैसे, उन्होंने कहा एक काम है, अगर ये काम तू मेरे बात मान लेती है तो तेरे को आंसर शीट मिल जाएगी, इससे पहले कि कुछ काम हो, मैंने कहा मुझे ना सुनते ही मंजूर है। दोस्तों उसके बाद जो हुआ आपको वो जानना चाहिए। जी अंजलि भाभी की कहानी अभी बरकरार है। अभी इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा, नेक्स्ट वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगी कल, तब तक के लिए आपको इस वीडियो से टल बाय, टिल देन बाय।